फ्रेंड्स, बारिश का मौसम आ गया है और ऐसे में कुछ चटपटा खाना तो बनता है। तो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल माही खाना खजाना में। आज हम बनाएंगे एक फेमस सी चाट जो कि बनारस में बहुत ही फेमस है और खाने में इतनी डिलीशियस लगती है, आप एक बार खाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 टमाटर लिए हैं। आप कोई से भी टमाटर ले सकते हैं, आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहें टमाटरों की संख्या को उतना बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी इतनी लाजवाब है, बच्चे क्या बड़ों को भी बहुत पसंद आती है और आप इसे कभी भी बना के इंस्टेंट चाट के रूप में खा सकते हैं। अब हम इन टमाटर को अच्छे से कट कर लेंगे। आप जिस भी कट, मोटा पतला जैसा भी इनको कट करना चाहते हैं कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इनको रफली कट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, बातें करते करते सारे टमाटर अच्छे से मैंने कट कर लिए हैं। कभी बच्चे शाम के टाइम बोलते हैं ना, हमें कुछ अच्छा खाना है, तो आप ये बना के दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने सारे टमाटर को अच्छे से कट कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ और आगे का प्रोसेस करते हैं। गैस पे एक कढ़ाई रखते हैं, उसमें देसी घी ऐड करते हैं। आप जब भी ये रेसिपी बनाएं देसी घी में बनाएं। देसी घी में इस रेसिपी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। मैं यहाँ पर 2 चम्मच के लगभग देसी घी ऐड कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून के लगभग जीरा ऐड किया है। 1 पिंच के लगभग हम इसमें हींग ऐड करेंगे। इस बहुत कम मसालों में ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। मैंने यहाँ पर 1 इंच अदरक के टुकड़े को ग्रेट करके ऐड किया है। आप चाहें तो पतला पतला चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से सॉटी करना है। 1 से 2 हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड करते हैं और सारी चीज़ों को हम अच्छे से सॉटी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आप जान जाएंगे। हमारी तीनों चीज़ें अच्छे से सॉटी हो गई हैं। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर जो हमने काट के रखे थे उसको ऐड करेंगे और इन टमाटर को हमें बहुत ही अच्छे से भून लेना है। फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू स्लो रखना है और टमाटर को धीरे धीरे भूनते जाना है। फ्रेंड्स, टमाटर भूनने में लगभग 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। फ्रेंड्स, आप ये बना के देखिए, सबको खिला के देखिए, फैमिली में सबको बहुत पसंद आएगी और बनारस में तो ये स्ट्रीट फूड के रूप में सब जगह मिलती है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे 1/2 टेबल स्पून के लगभग हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून के लगभग धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून के लगभग कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर काला नमक ऐड किया है। काले नमक से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है और बाकी हम इसमें वाइट नमक ऐड करेंगे, जो भी आप खाते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से टमाटर के साथ मिक्स कर देंगे और धीरे धीरे इसे 2 मिनट के लिए लिड लगा के और पकाएंगे ताकि हमारे टमाटर बहुत ही अच्छे से पक जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, लिड लगाते हैं और इसको पकाते हैं। फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गए हैं, लिड को हटाते हैं और अपने टमाटर को एक बार चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, टमाटर धीरे धीरे अच्छे से पकने लगे हैं और इनकी जो ऊपर की स्किन है वो बिल्कुल सॉटी हो गई है और अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें 1/2 कप के लगभग पानी ऐड करते हैं ताकि हमारी जो टमाटर है वो नीचे लगे नहीं और अच्छे से कुक हो जाए। इसमें पानी ऐड करने के बाद हम इसमें 1/2 टेबल स्पून के लगभग चाट मसाला ऐड करते हैं, 1/2 टेबल स्पून के लगभग जीरा पाउडर ऐड करते हैं और मैं यहाँ पर 2 पिंच के लगभग गरम मसाला भी ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला मैंने फ्लेवर के लिए ऐड किया है। आप चाहें तो गरम मसाले को स्किप भी कर सकते हैं और एक बार इसको अच्छे से चला के हम वापस से इसकी लिड लगा के इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गए हैं, लिड को हटाते हैं और अपने टमाटर को चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारे टमाटर बहुत ही अच्छे से पक गए हैं और टमाटर पूरा अच्छे से मैश भी हो गया है। इस स्टेज में हम यहाँ पर 2 आलू को हल्का सा फोड़ के उसमें ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ उबले हुए आलू लिए हैं, यहाँ पे उबले हुए आलू का ही यूज़ करना है। अब हम इस टमाटर के साथ आलू को अच्छे से मिलाएंगे और इसको हमें बिल्कुल बारीक करना है। तो उसके लिए हम एक मैशर की मदद लेंगे। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप स्टार्टिंग में ही आलू को ग्रेट करके टमाटर के अंदर डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारा मैशर की मदद से हमने आलू को अच्छे से मैश कर दिया है और हमारे टमाटर के साथ आलू बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैशर को निकाल देते हैं और अपनी चाट को वापस से एक बार
चला देते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी चाट बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसमें हाफ टेबल स्पून नींबू इसी टाइम पे डाल सकते हैं, लेकिन मैं नींबू यहाँ पे नहीं डालूँगी, नींबू को मैं बाद में ऐड करूँगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसमें लास्ट में थोड़ा सा जीरा पाउडर और डाला है, और इसमें लास्ट में हम धनिया स्प्रिंकल कर देंगे ताकि इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी बनारस की टमाटर की चाट बनके तैयार है। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो प्लेटिंग करने के लिए मैंने यहाँ केले के पत्ते की एक कटोरी बना के रखी है, मैं इसको आज इसमें सर्व करूँगी। फ्रेंड्स ये रेसिपी इतनी मज़ेदार है, आप एक बार बनाएंगे तो बार बार खाएंगे, और कभी भी इंस्टेंटली अगर चाट खाने का मन है तो आप इसे बना के खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन झट से आपके पास पहुंच जाए। ऊपर से थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे, आधे नींबू का रस मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ, और लास्ट में हम इसमें थोड़े से पनीर के स्लाइसेस भी ऐड कर देंगे और इमली की चटनी को भी डाल देंगे ताकि हमारी चाट में बहुत ही अच्छा सा खट्टा मीठा सा फ्लेवर आ जाए। तो फ्रेंड्स आपको कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। खाते रहिए, खिलाते रहिए, मस्त रहिए, और इस टमाटर की चाट का बरसात में आनंद उठाते रहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में कहीं बाहर जाना नहीं बनता है, तो आप इस चाट को इजीली बना के अपने घर में खा सकते हैं।